आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी इमेज के बारे में कि बॉडी इमेज क्या है, पॉजिटिव बॉडी इमेज क्या होती है, नेगेटिव बॉडी इमेज क्या होती है, कैसे आप अपनी बॉडी इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले समझें कि बॉडी इमेज क्या होती है। सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो फिजिकल आप एग्जिस्टेंस है, लाइक जो आपके मसल्स हैं, जो आपकी फिगर है, जो आपकी बॉडी पार्ट्स हैं, उसके बारे में जैसा आप महसूस करते हैं, जैसा आप समझते हैं, उसको हम बॉडी इमेज बोलते हैं। वो महसूस करना, समझना, आपकी परसेप्शन, आपकी थिंकिंग, आपकी थॉट्स पर डिपेंड करता है। उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं कि ये बॉडी इमेज ठीक है, ये अच्छी नहीं, आप मोटे हो, काले हो, बुरे हो, ब्लैक हो, डजेंट मैटर। इट्स डिपेंड ऑन योर थॉट्स, आपकी सोच है, आप कैसा महसूस करते हो, ठीक है। अभी पॉजिटिव बॉडी इमेज की क्या होती है। पॉजिटिव बॉडी इमेज वो लोग जो अपनी आप को, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार, फॉर एग्जांपल, आप अगर आपका रंग काला है तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं यार, मैं, मेरे फादर, मेरे जेनेटिक ये मसला है, जेनेटिक चलता आ रहा है, जेनेटिक ब्लैक हूँ, ठीक है। अगर आप वाइट हैं तो आप जेनेटिक वाइट हैं। तो ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना, ये पॉजिटिव बॉडी इमेज की पहचान है। उसमें आप देखते हैं अपनी स्ट्रेंथ को, देखते हैं कि आपकी जो अच्छी खूबियाँ हैं वो क्या हैं। अच्छा, जब ये आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे हैं, रियलिटी को आप देख लेते हैं, इससे आप ना ज़्यादा कम्फर्ट हो जाते हैं। तो पॉजिटिव बॉडी इमेज जो है ना, एक अच्छा सिम्टम है। हमेशा पॉजिटिव बॉडी इमेज आपकी होनी चाहिए। आपको अपने आप को दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जैसे नेगेटिव बॉडी इमेज की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो लोग हैं वो अपनी बॉडी इमेज को, अपनी बॉडी को दूसरी बॉडीज के साथ कंपेयर करते हैं। लाइक मैं पतला हूँ, वो लंबा है, उसकी उसके मसल्स हैं, उसकी बॉडी है, मैं वीक हूँ, मेरा रंग काला है, मेरे पिंपल्स बने हुए हैं, ठीक है, मेरा, मेरी स्किन फ्रेश नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यार, ये आपकी जेनेटिक है, ये आप नेचुरल है। तो जो हकीकत है, जो रियलिटी है, आप उसको एक्सेप्ट कर लें, तो ये पॉजिटिव में आ जाता है। जो नहीं एक्सेप्ट करते, जो कंपैरिजन करते हैं, अनहैप्पी रहते हैं, और उसके बाद कंपैरिजन करते रहते हैं, नॉट एक्सेप्ट, तो वो सारे नेगेटिव बॉडी इमेज में आ जाते हैं। अभी इसमें कुछ पॉइंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हैं, इसको फॉलो करके आप अपनी बॉडी इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाती है लव योर सेल्फ, मतलब अपने, अपनी सेल्फ के साथ, अपने खुद के साथ आपने प्यार करना है। आपने कंपैरिजन नहीं करना, आपने खुद के बारे में एक अच्छी परसेप्शन बनानी है, एक अच्छी राय कायम करनी है। जब आप खुद के बारे में एक अच्छी परसेप्शन बनाएंगे तब ही तो आप ज़्यादा कामयाब होंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। देन सेकेंड पे आ जाता है एक्सेप्ट रियलिटी, जो हकीकत में है उसको एक्सेप्ट करो। जैसा कि मैंने बताया, आपकी हाइट छोटी है, आपका रंग काला है, आपके पिंपल हैं, आप बॉडी आपकी वीक है, एक्सेप्ट करो यार। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी, आप अच्छे से काम कर सकोगे। सेकंड पे आ जाता है आपने फोकस करना है अपनी हेल्थ पे, अपीयरेंस पे फोकस नहीं करना, क्योंकि अपीयरेंस तो आपकी नेचुरल आ गई है, जैसे आप हैं वैसे ही आपने रहना है, उसके साथ आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। आपने अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है, मेंटल हेल्थ पे काम करना है, फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम करना है, ठीक है। तीसरे पे आ जाता है कि आपने अपनी ना सोशल मीडिया लिमिट सेट करनी है। सोशल मीडिया लिमिट से मुराद ये है कि जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे आप ऐड देखते होंगे उसमें खूबसूरत वाइट लड़कियाँ दिखाते हैं, तो इस तरह के एड्स को जो लोग कंपैरिजन के बारे में बात कर रहे हैं, जो ब्यूटी को प्रमोट कर रहे हैं, रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं, जो कलर्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, रेसिज्म कर रहे हैं, उनको आप अनफॉलो कर दें। उस तरह की चीज़ों को देखना बंद कर दें। अपने माइंड में अच्छी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लेके जाएं, जो रियलिटी पे बेस हो। जिसके देखो, आपको, आप चीज़ों को सोचते रहेंगे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, जैसे आप हो वैसे ही आप रहोगे। जस्ट आप अपने आप का अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, अपने माइंड को टेंशन में डाल रहे हो, अनहैप्पी हो, आपके मूड स्विंग हो रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए रियलिटी को देखें, इन सोशल मीडिया की जो लिमिट है उसको सेट करें, और मोस्टली जो अपना इसके नेक्स्ट आ जाता है, मोस्टली अपना टाइम स्पेंड करें पॉजिटिव लोगों के साथ। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वो आपको शक्ल सूरत से जज नहीं करेंगे, वो आपके अखलाक से, आपके बात से, आपके रवैये से आपको जज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट पे, जो है आप किसी प्रोफेशनल से सपोर्ट भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको बॉडी इमेज को लेके प्रॉब्लम चल रही है तो आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हो, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।